नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा आरटीआई के बारे में। आरटीआई क्या है? आरटीआई शिकायत है या सूचना है? कुछ लोगों की गलतफहमी होती है कि आरटीआई जो है वो कोई शिकायत है। आरटीआई राइट इंफॉर्मेशन एक्ट यानी सूचना का अधिकार, यह 2005 में शुरू हुआ था। सूचना का अधिकार इसलिए लागू किया गया कि आम इंसान तक हर सूचना उपलब्ध हो जाए या वो अपने अधिकार का उपयोग कर सके। ये अनुच्छेद 19 के तहत भी बताया गया है कि आम इंसान को किस प्रकार से सूचना मिले और उस सूचना देने का अधिकार हर इंसान का है। और यदि आपको सूचना नहीं दी जाती तो उसका भी जो संबंधित अधिकारी है PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। अब आरटीए के तहत आप किसी भी निजी ऑफिस की सूचना मांग सकते हो, सरकारी दफ्तर की सूचना मांग सकते हो, किसी एनजीओ की सूचना मांग सकते हो, तीनों सेनाएं भी इसमें शामिल है उसकी सूचना मांग सकते हो। तो ये इस प्रकार की आप सूचनाएं मांग सकते हो और कुछ सूचनाएं आप नहीं भी मांग सकते। वो कौन कौन सी हैं? जैसे कुछ से देश की सुरक्षा से संबंधित जानकारी होती है जिसको सूचना, जो देश की सुरक्षा से संबंधित कुछ जानकारी है वो जिसको पब्लिक में नहीं बताया जा सकता, वो सूचनाएं आप नहीं मांग सकते। खुफिया एजेंसियों की सूचना नहीं मांग सकते या जिससे देश के अंदर कुछ अहित हो जाए, इस प्रकार की सूचनाएं भी आप नहीं मांग सकते। फीस कितनी है? इसकी फीस 10 रुपये, जिसके अंदर आप पे चेक भी लगा सकते हो, बैरल चेक, DD भी कटवा सकते हो, पोस्टल ऑर्डर भी लगा सकते हो। तो ये इसकी सामान्य फीस है। और जो BPL है उसको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना है, वो हर प्रकार से चार्ज से मुक्त है। अब यदि आप सूचना मांगते हो तो आप यदि किसी की फोटोकॉपी मांगते हो, कोई बिल है या अन्य कोई जानकारी की या किसी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी मांगते हो तो 2 रुपये अतिरिक्त आपको देने होंगे। या कुछ CD या फ्लॉपी डिस्क के अंदर आप कॉपी मांगते हो तो उसके 50 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। वैसे हर स्टेट के अंदर अलग अलग रेट है, तो वो जो पे है वो आपको करना पड़ेगा। इसके अंदर आप एप्लीकेशन है वो आज से भी लिख सकते हो। आज से मैं एक एप्लीकेशन जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे डाल दूंगा टाइप करके, वो लगभग कॉमन फॉर्मेट डाल दूंगा। बाकी है उसके ऊपर कम ज़्यादा ऊपर करना चाहो तो आप खुद कर सकते हो। जैसे कि कोई प्रधानमंत्री ऑफिस से सूचना मांगनी है तो सेवा में श्रीमान सूचना अधिकारी प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली, विषय के अंदर आपने ये लिख दिया सूचना का अधिकार 2005 के संदर्भ में। फिर महोदय मैं जैसे आपका नाम लिख दिया कि निम्न प्रश्नों के उत्तर चाहता हूँ, आपके नीचे तथ्यात्मक होने चाहिए। जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो वो तथ्यात्मक होने चाहिए, उसमें आप पॉइंट्स लिखो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये क्वेश्चन है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण लोगों को आवास की जो सुविधा है कब तक उपलब्ध हो जाएगी, या प्रधानमंत्री ऑफिस से सूचना मांग सकते हो। तो या जो हर घर के अंदर, हर ग्राम के अंदर गैस से जो सुविधाएं हैं वो प्रत्येक घर के अंदर कब तक उपलब्ध हो जाएगी, या आम डाणी, जो हर डाणी जाणी है छोटे छोटे ग्राम है वो सड़क से और बिजली से पूरे देश के अंदर किस कब तक जुड़ जाएंगे। तो ये इस प्रकार के कुछ तथ्यात्मक सूचनाएं होती हैं जिसको आप मांग सकते हो। या सामग्री की सूचनाएं मांग सकते हो, जैसे कोई रोड बन रही है तो उसके अंदर कितनी सामग्री लगेगी, किस प्रकार से लगाई जाएगी, कितनी उसकी मोटाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी सड़क की लंबाई कितनी है, कितने दिनों में पूरी हो जाएगी। तो ये सारी की सारी सूचनाएं आप मांग सकते हो। किसी दस्तावेज की फ़ोटो कॉपी मांग सकते हो कि मुझे उस दस्तावेज की फ़ोटो कॉपी चाहिए, किसी संस्था से मांग सकते हो।
तो ये सारी की सारी जो सूचनाएं हैं वो आरटीए के तहत आप मांग सकते हो। और आरटीए की एप्लीकेशन आप लिखते हो तो उसकी हैंड राइटिंग वो भी सुंदर होनी चाहिए, अगले को स्पष्ट मालूम पड़ जाना चाहिए। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छी हिंदी आ रही है, आप कैसे भी लिखो, आम आदमी का अधिकार है, तो आम ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आम आदमी पढ़ा हुआ हो, वो कैसे भी टूटी फूटी, लेकिन थोड़ा सुंदर होना चाहिए, अगले को मालूम पड़ जाना चाहिए। इंग्लिश हिंदी मिक्स करके लिख सकते हो, वो उसके कारण आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप साधारण एप्लीकेशन लिख के उस एप्लीकेशन के अंदर आपका नाम, पिता का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जिसको वो सूचना भेज रहे हो उसका पूरा एड्रेस, ऑफिस का नाम, वो सारा का सारा आ जाना चाहिए। और किससे संबंधित वो सूचना है, वो सब्जेक्ट भी उसके अंदर आ जाना चाहिए। ये कुछ सामान्य जानकारी थी। अब जो आप आरटीए की सूचना लगा दी, आपने एप्लीकेशन लगा दी, तो उसकी सूचना कब तक मिलेगी? उसकी सूचना का नियम है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको सूचना का जवाब मिल जाएगा। आपने जो सूचना मांगी उसका 30 दिन के अंदर अंदर जवाब मिल जाएगा। और यदि कई बार क्या होता है कि आपने जो एप्लीकेशन देनी किसी ऑफिस में थी और दे दी किसी और को या किसी दूसरे ऑफिस में भेज दी, तो उसमें भी आपकी सूचना का जो अधिकार के तहत जो एप्लीकेशन लगाई आपने वो रिजेक्ट नहीं होगी। जिस ऑफिस में आपने सूचना भेजी उससे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो है उसका ये कर्तव्य है कि वो संबंधित ऑफिस में उससे सूचना को भेजे, जिसमें 5 दिन अतिरिक्त दे होंगे। यानी आप 30 दिन में आपको जो सूचना मिलनी थी वो 35 दिन में मिलेगी और बाकी आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट नहीं होगी। और इसको किस प्रकार से ऑनलाइन करना है उसकी वेबसाइट जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फॉरम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सारे के सारे। और इसका वीडियो मैं आके जो दूसरा वीडियो आएगा उसके अंदर मैं ये ऑनलाइन प्रोसेस कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। और इसमें जैसे कि जो आपने सूचना मांगी उस सूचना आपने क्यों मांगी इसका कारण भी जो सूचना के अधिकारी हैं वो आपसे नहीं पूछ सकते, उनको वो सूचना देनी होगी। हाँ, यदि देश से, वो मैंने पहले ही बता दिया, देश से अहित होने में यदि कोई सूचना आपने मांगी देश के जिससे अहित हो उसके, तो वो सूचना आपको नहीं मिलेगी। जो सामान्य पर्सन है, जैसे कि मान लो कोई आपके डॉक्यूमेंट है खुद का, वो संबंधित यूनिवर्सिटी को आप भेजते हो कि ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके भेजें, तो वो आरटीआई के तहत आपके पास सूचना आएगी। और कोई भी सार्वजनिक क्वेश्चन है, जैसे कि नरेगा के अंदर एक व्यक्ति को कितने दिन तक काम मिलता है, तो ये जो सामान्य क्वेश्चन है जिससे मतलब किसी के अहित नहीं हो रहा हो, या किस जो सामान्य सूचना है आप पर कोई प्रकार से मतलब सूचना इकट्ठी होनी नहीं कि कोई किसी की शिकायत है, या फिर जैसे मान लो कोई आपने सूचना मांग ली किसी की सड़क का निर्माण हुआ तो वहाँ पे कितना मटेरियल लगा, वो आपको ऐसे लग रहा है कि ये इस प्रकार से नहीं हुआ, तब उसके सूचना लेने के बाद आप उसकी शिकायत कर सकते हो, तो वो हो गई शिकायत। तो कुछ लोग आरटीआई को ही एक प्रकार से, कुछ लोग बता देते हैं कि ये शिकायत होती है, तो वो शिकायत नहीं है, आरटीआई एक प्रकार से सूचना है जिससे कि देश के अंदर क्या हो रहा है, यानी हर भ्रष्टाचार को आप बाहर निकाल सकते हो। तो इस आप जो आरटीआई लगाएं, कोई भी जानकारी आपको यदि चाहिए तो आप उसकी सूचना प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म लगे हुए हैं, किस किस के फॉर्म जमा हुए और किसके स्वीकृत हुए, किसके अस्वीकृत हुए, क्या कारण है, वो सूचना आप मांग सकते हो। और इसकी वेबसाइट भी है, तो कोई भी आप किसी भी ऑफिस से संबंधित जानकारी, जिससे दूसरे से कोई उसका मतलब नहीं हो या दूसरे से कोई उसका लिंक नहीं हो, तो आपको ही वो सूचना चाहिए कि हाँ मेरे को ये सूचना मिलनी चाहिए थी। या जैसे किसी विद्यालय के अंदर आप सूचना मांग सकते हो कि इस विद्यालय में कितने प्रवेश हैं, एससी कितने, ओबीसी कितने, एसटी कितने, कौन सी क्लास में कितने हैं, तो ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं, तो इस प्रकार की सूचना यहाँ पे ले सकते हो। और भी सबसे ज़्यादा जो सूचना लेते हैं वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के लेते हैं कि खुद के डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई है या नहीं है, या किस प्रकार से, क्या कुछ यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स लेते हैं कि हमें इस जिस यूनिवर्सिटी से हम कोई काम करें उस यूनिवर्सिटी की मान्यता प्राप्त है या नहीं है, तो वो सारी की सारी सूचनाएं
आप वे अपनी अपने आप को बचाने के लिए ले रहे हो। तो इस प्रकार की सूचनाएं जो हैं वो आप कहीं से आरटीआई के एप्लीकेशन के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। एप्लीकेशन जो है वो सादे पेपर के ऊपर भी आप लिख सकते हो। उसका फॉर्मेट मैं डिस्क्रिप्शन में एक डाल दूंगा, जो कॉमन होगा उसमें कुछ जोड़ना है घटाना है वो अपने हिसाब से आप कर लेना। ऑनलाइन किस प्रकार से अप्लाई करेंगे इसका, वो मैं अगला वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में इसका अगला वीडियो बना के इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। और ऑनलाइन किस प्रकार से करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो सूचना अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।